Hello everyone, welcome back. This is Bhavna Puri and today we will talk about chapter number 9 of class 12. So the chapter is strategies for enhancement in food production. Right. So pehla question kaun sa is chapter mein se? Question number 1. A protoplasm is a cell. To aapko batana hai ki jo protoplasm hai wo kis tarike ka cell hota hai. To 4 options hume given hai. First option, undergoing division ya fir without cell wall. Without plasma membrane, without nucleus. तो हमेशा याद रखिए protoplast एक ऐसा cell है जिसमें cell wall नहीं होती, right? Plants के केस में हम इसको consider कर रहे हैं. So protoplast means a cell without cell wall. Question number 2. Outbreeding is an important strategy of animal husbandry because जो आउटब्रीडिंग है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है. क्यों, क्या होगा आउटब्रीडिंग से? ऑप्शंस देखिए, इज यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन. एब्सोल्युटली राइट. जब भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, यानी कि जब हम कॉन्टिन्यूसली क्रॉस करवाते हैं सेम ब्रीड के ऑर्गेनिजम्स में, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है ना. तो हमेशा यही होगा कि जब भी कॉन्टिन्यूसली हम इनब्रीडिंग करवाएंगे तो प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. उसी कंडीशन को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है. तो कैसे इस कंडीशन को ओवरकम किया जाएगा? आउटब्रीडिंग से. सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे. क्या क्वेश्चन है? अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इज, जो माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक है वो क्या है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, एम्ब्रियो रेस्क्यू, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. देखिए, जब हाइब्रिडाइजेशन वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कि दो सेलेक्टेड पेरेंट्स को हम आपस में क्रॉस करवाएंगे और उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं, ठीक. लेकिन जब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी तरीके का फ्यूजन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है और जो पेरेंटल सेल होगा उसी की हम डेवलपमेंट करवाएंगे और कोई भी वेरिएशंस नहीं आएगी. तो माइक्रो प्रोपगेशन में हम ऐसा ही करते हैं, लार्ज स्केल पर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following enhances or induces? Enhance करना मतलब बढ़ाना, ठीक है. Which of the following enhances or induces fusion of protoplast? तो एक केमिकल का नाम मैं आपको बता रही हूँ, which is PEG. PEG यानी कि polyethylene glycol, ठीक है. तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 4th का 4 ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन गिवन है. PEG, polyethylene glycol and sodium nitrate, ठीक है. तो ये ऐसे substances हैं जो कि protoplast fusion करवाने के लिए responsible हैं, right? Question number 5, in vitro clonal propagation. देखिए, in vitro का मतलब है outside the body. Clones क्या होते हैं? Clones का मतलब होगा जो genetically और morphologically identical individuals होते हैं, ठीक है, एक जैसे. तो जब भी हम आर्टिफिशियली यानी कि इन विट्रो कंडीशंस में क्लोन्स को प्रोपोगेट करते हैं प्लांट्स में, ठीक है, तो वो किसकी मदद से करेंगे? पीसीआर एंड आरएपीडी, नदन ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एचपीएलसी, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है माइक्रोस्कोपी. तो हमें किस बारे में पूछा गया है? पूछा गया है कि अगर एक जैसे बहुत सारे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना है तो कौन सी टेक्निक यूज होगी. तो हमेशा याद रखिए ऑप्शन ए, पीसीआर एंड आरएपीडी. पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. आरएपीडी का मतलब है रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए. दोनों ही टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है डीएनए की मल्टीपल कॉपीज ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है. तो याद रखिए पीसीआर एंड आरएपीडी इन टेक्निक्स को यूज करेंगे जब भी हमें क्लोन्स की फॉर्मेशन करनी है इन विट्रो में,
राइट। क्वेश्चन नंबर 6, टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम अ डिजीज्ड वन, मतलब हमारे पास एक डिजीज प्लांट है, उससे हम एक वायरस फ्री एक हेल्दी प्लांट को ऑब्टेन करना चाहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करके, तो उस डिजीज प्लांट का कौन सा पार्ट यूज करेंगे? तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम ओनली, नेक्स्ट ऑप्शन है क्या दे रखा है, पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा, देन बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम, एंड देन एपिडर्मिस ओनली। तो हमेशा याद रखिए कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज ऐसे स्पेशल सेल्स का ग्रुप होते हैं जो कि रैपिडली डिवीजन करके न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो या एक्सिलरी, हम दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो एपिकल और एक्सिलरी दोनों मेरिस्टेम का यूज करके हम एक डिजीज फ्री प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या सीड हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल द जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड, ये हमने जब डिटेल वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया था तभी पढ़ा था, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या कहते हैं इसको, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, यानी कि किसी भी गिवन क्रॉप में जितने भी जीन्स हैं उसके सभी अलील्स को कलेक्ट करना, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, टिश्यू कल्चर टेक्निक कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पेरेंटल टिश्यू, द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्निक इज इन रेजिंग जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन आइडेंटिकल टू ओरिजिनल पेरेंट, होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट्स, न्यू स्पीशीज या वेरिएंट्स थ्रू पिकिंग अप सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो याद रखिए टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करके हम इनफाइनाइट प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड ऑल दीज प्लांट्स आर यूनिफॉर्म, यानी कि दे आर आइडेंटिकल टू देयर ओरिजिनल पेरेंट्स, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय, यानी कि अगर हमें सीड की वायबिलिटी को टेस्ट करना है तो हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या ऑप्शंस गिवन है, हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू सी डाई क्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, ठीक है, नेक्स्ट 2, 3, 5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोडियम क्लोराइड, ठीक है, टेट्राजोलियम, फिर है DMSO एंड सेफ्रेनिन। तो आपको याद रखना है कि जो ऑप्शन बी है जिसमें 2, 3, 5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड गिवन है, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ये बताएगा वेदर द सीड्स आर वायबल और नॉट। वायबल का मतलब है कि क्या वो सीड्स जर्मिनेट कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ जायगोट एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है, जो सोमैटिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, जो पैटर्न है, सेम वो कंपेयर किया जा सकता है टू जायगोटिक एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट, सोमैटिक एम्ब्रियोज कैन डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स, देखिए माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, जो मेल गैमेट्स को कैरी करेंगे, राइट। तो क्या मेल गैमेट, सिर्फ मेल गैमेट से सोमैटिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाएगी? नो, क्योंकि अगर गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो सोमैटिक नहीं रहेंगे, ठीक है। गैमेट्स सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट को शो करते हैं, जबकि सोमैटिक अदर देन सेक्स सेल्स, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा आंसर, क्योंकि हमसे नॉट ट्रू पूछा था, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग, यानी कि इनमें से कौन सा गलत आपको मैच गिवन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सोमैटिक, का मतलब है फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स हाइब्रिडाइजेशन सेल, ठीक है। आगे देखते हैं वैक्टर डीएनए,
यानी कि साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस, माइक्रो प्रोपगेशन, इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन लार्ज नंबर्स, देन कैलस, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड इन टिश्यू कल्चर। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम किसी भी प्लांट के सेल्स को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि हमने जर्म प्लास्ट कलेक्शन कर लिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस प्लांट के सोमैटिक सेल्स को निकालेंगे और उनको एक फेवरेबल मीडियम में रख देंगे, जिस मीडियम में कार्बन का सोर्स प्रेजेंट होगा यानी कि शुगर प्रेजेंट होगी, साथ ही साथ जो प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, ताकि इनको ग्रोथ करने के लिए, नरिशमेंट करने के लिए भी क्या मिल सके, केमिकल्स की अवेलेबिलिटी हो। तो जैसे ही वो सेल्स फेवरेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में आते हैं, दे स्टार्ट डिफ्रेंसिएशन, और उन सेल्स की डिफ्रेंसिएशन होने पर जो अनऑर्गेनाइज्ड मास बनता है सेल्स का, उसी को कैलस कहा जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम ऑफ डेवलपमेंट दिस कैलस डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे थर्ड ऑप्शन क्या था, कि माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब है आर्टिफिशियल मीडियम में या फिर कम समय में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस करना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन की तरफ आइए, वेक्टर डीएनए, उसका क्या फंक्शन, ये होगा कि वो आरआरएनए की फॉर्मेशन यानी कि सिंथेसिस करे। नो, वेक्टर डीएनए वो होता है जो कि हमारे डिजायरेबल जीन्स को एक पेरेंट बॉडी से या एक होस्ट से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाए। सो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत है। तो ये पूछा था गलत कौन सा होगा, सो ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच पार्ट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट्स फॉर माइक्रो प्रोपगेशन। तो मैंने आपको बताया कि हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को यूज करेंगे या मेरिस्टेम को यूज करेंगे डिजीज फ्री प्लांट्स को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था इंडिया में, तो आपको बताना है 1960s में आया था। जब हमने डिटेल वीडियो बनाई थी तो ये भी पढ़ा था कि सेमी ड्वार्फ वेराइटीज को डेवलप करवाया गया था 1963 में, वीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज बनाई गई, और 1966 में राइस की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज को डेवलप किया गया। वीट की वेराइटीज का नाम क्या था, कल्याण सोना एंड सोनालिका, राइस की वेराइटीज का नाम क्या था, जया एंड रत्ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड सीड हैविंग डाइवर्स एलील्स ऑफ ऑल द जीन्स, इसका मतलब क्या था, अभी हमने पढ़ा था दिस इज जर्म प्लाज्म कलेक्शन, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जया एंड रत्ना किसकी वेराइटीज हैं, अभी मैंने बताया राइस की वेराइटीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हीमगिरी डेवलप बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, ये किसकी वैरायटी है, तो ये वीट की वैरायटी है, आपको ये याद रखना है, हीमगिरी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी होती है वीट की, राइट। आगे बढ़ेंगे, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद हाई लेवल ऑफ मिनरल्स विटामिंस एंड प्रोटीन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन। जब भी हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स विटामिंस और हेल्दी फैट की बात होती है ना, तो उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम बायो फोर्टिफिकेशन। आगे देखिए पूछा गया है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ये मेथड किस चीज के लिए यूज किया जाता है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं, बायो डीजल प्रोडक्शन, सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज, या फिर जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर। तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के लिए हम PEG को यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय, कौन सी टेक्निक का यूज करके सोमा क्लोन्स को ऑब्टेन किया जाता है, टिश्यू कल्चर का यूज करके, क्यों, क्योंकि टिश्यू कल्चर में प्लांट के किसी भी एक पार्ट को सेपरेट कर लिया जाता है
एंड दिस पार्ट इज जनरली अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाएगा जहाँ पर वो डिफरेंशिएट करेगा, एक कैलस में बदल जाएगा एंड देन एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होगी। तो वो पार्ट जो कि हमने किसी प्लांट से सेपरेट किया था उसको एक्स प्लांट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 20th क्वेश्चन देखेंगे अब। हैप्लॉइड्स आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीज देन द डिप्लॉइड्स। दिस इज बिकॉज हैप्लॉइड्स आर मोर अबंडेंट इन नेचर देन डिप्लॉइड्स। ऑल म्यूटेशंस वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव आर एक्सप्रेस्ड इन हैप्लॉइड्स, या फिर हैप्लॉइड्स आर रिप्रोडक्टिवली मोर स्टेबल, या फिर लास्ट ऑप्शन है म्यूटेजन्स पेनिट्रेट इन हैप्लॉइड्स मोर इफेक्टिवली देन इन डिप्लॉइड्स। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि चाहे डोमिनेंट हो या फिर कोई रिसेसिव म्यूटेशन हो, सभी तरीके की म्यूटेशंस को इजीली एक्सप्रेस किया जाता है हैप्लॉइड सेल्स के थ्रू। तो उसका मतलब है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड टू द डिस्कवरी ऑफ बॉडिक्स मिक्सचर एज अ पॉपुलर फंजीसाइड। इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो डिजीज है वो लिंक्ड है किसकी डिस्कवरी से? बॉडिक्स की डिस्कवरी से। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं लूज स्मट ऑफ वीट, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और राइस। ठीक है, उसके अलावा लास्ट ऑप्शन है डाउनी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, एंड लास्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी डाउनी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसी डिसऑर्डर या इसी डिजीज के साथ साथ ऑब्जर्व किया गया था बॉडिक्स मिक्सचर को, उसी की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग फोर मेजर्स दैट कुड बी टेकन टू सक्सेसफुली ग्रो चिकपी इन एन एरिया वेयर बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज इज कॉमन। ठीक है, हम चिकपी को एक ऐसे एरिया में सक्सेसफुली डिस्कस कर रहे हैं जहां पर बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज बहुत कॉमन है। ठीक है, तो पढ़ेंगे ऑप्शंस, स्प्रे विद बॉडिक्स मिक्सचर, कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर ऑफ द डिजीज, यूज ऑफ ओनली डिजीज फ्री सीड्स, यूज ऑफ वेराइटीज रेजिस्टेंट टू डिजीज। अभी चारों स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी। फर्स्ट ऑप्शन था कि बॉडिक्स मिक्सचर का यूज करना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब इस मिक्सचर को स्प्रे करेंगे तो जो बैक्टीरियल ब्लाइट जो डिजीज है इसको रिमूव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन पढ़िए, लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर ऑफ डिजीज पैथोजन। अगर हम इंसेक्ट वेक्टर को कंट्रोल करेंगे तो डिजीज नहीं होगी। देखिए इंसेक्ट वेक्टर्स को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स को यूज करना पड़ता है, तब भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि क्रॉप को डैमेज कर ही देते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन 100% ट्रू नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए, सिर्फ डिजीज फ्री सीड्स का यूज करना क्या आसान है इतने ज्यादा हाइब्रिडाइज सीड्स को बनाना? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन फोर देखिए फिर से, यूज ऑफ वेराइटीज रेजिस्टेंट टू डिजीज। हम हाइब्रिडाइजेशन करवाकर ऐसे प्लांट्स को, ऐसी वेराइटीज को बना सकते हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो। इसका मतलब ये हुआ बोथ ऑप्शन वन एंड फोर आर करेक्ट, सो हमारा आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कंपेयर टू अ बुल अ बुलॉक इज डोसाइल बिकॉज ऑफ। जब भी हम बुलॉक में कंपेयर करेंगे तो देखा जाता है कि जो बुलॉक है वो थोड़ा डोसाइल है, तो ऐसा क्यों होता है? हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोन की वजह से, लोअर लेवल ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन, लोअर लेवल्स ऑफ एड्रेनालिन या नॉन एड्रेनालिन, हायर लेवल्स ऑफ थायरोक्सिन। तो आपको याद रखना है, क्योंकि जो बुलॉक है उसके ब्लड में बहुत ही कम टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है, यही रीजन है कि वो डोसाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे? इन क्लोनिंग ऑफ कैटल अ फर्टिलाइज्ड एग इज टेकन आउट ऑफ द मदर्स वूम। ठीक है, जब क्लोनिंग की थी कैटल की तो मदर की बॉडी से, मदर की वूम से एक फर्टिलाइज्ड एग को बाहर निकाला गया। ठीक है, तो वो जो निकालते हैं फिर उसके बाद क्या करेंगे? एंड इन 8 सेल स्टेज सेल्स आर सेपरेटेड एंड कल्चर्ड अंटिल
स्मॉल एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड विच आर इम्प्लांटेड इन टू द वोम्ब ऑफ अदर काउ. बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. जब भी मॉइट टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्या होता है, एक जेनेटिक मदर होती है जिसमें हमने क्या किया था, मल्टी ओव्यूलेशन करवाई थी और किसी एक एलाइट बुल के स्पर्म्स को उस काउ के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था. ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई. अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो 8 सेल स्टेज आती है, उस स्टेज पर हम क्या करेंगे, उन फर्टिलाइज्ड एग्स को जेनेटिक मदर की बॉडी से निकालेंगे नॉन सर्जिकली और इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी दूसरी काउ के अंदर, जिसको सरोगेट मदर कहा जाता है. तो आपको याद रखना है 8 सेल स्टेज पर ऐसा किया जाएगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज ऑन पोलिट्री. कोरिजा, न्यू कैसल डिजीज एंड उसके बाद है पास्टुरलेसिस एंड देन सेल्मोनेलोसिस. तो बेसिकली जो वायरल डिजीज आपसे पूछी गई है उसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि न्यू कैसल डिजीज. ये बहुत कॉमन होती है पोलिट्री फार्म में वायरल डिजीज, राइट. क्वेश्चन नंबर 26 देखिए. इन मेज हाइब्रिड वाइगर इज एक्सप्लॉयटेड बाय. मेज के प्लांट में जब हम बात करते हैं तो जो हाइब्रिड्स है उनको कैसे एक्सप्लॉयट किया जाएगा. बाय क्रॉसिंग ऑफ टू इन ब्रीड पेरेंटल लाइन्स, हार्वेस्टिंग सीड्स फ्रॉम मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स, इंड्यूसिंग म्यूटेशंस, बम्बार्डिंग द सीड्स विद डीएनए. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई जो ऑप्शंस है वो ये है कि किस तरीके से जो मेज है उसमें जो हाइब्रिड वाइगर है उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है. ठीक है, तो फिर क्या आंसर्स बिल्कुल करेक्ट होंगे. क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दो इनब्रीड पेरेंटल लाइंस हैं उनके क्रॉस के रिजल्ट में ही एक्सप्लॉयट किया जाता है हाइब्रिड वाइगर को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27. क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन मोनोकल्चर आर. ऐसे क्रॉप प्लांट्स जिनको मोनोकल्चर में ग्रो करवाया जाएगा, है ना, आर हाई प्रोन टू पेस्ट, लो इन यील्ड, फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, कैरेक्टराइज बाय, क्या होगा, कैरेक्टराइज बाय पुअर रूट सिस्टम, है ना. तो हमेशा याद रखिए जब आप एक ही तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करवाते रहेंगे, मोनो का मतलब होता है वन, तो बहुत सारे पेस्ट वहां पर कलेक्ट हो सकते हैं. इसका मतलब होगा कि मोनोकल्चर में जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो हाईली प्रोन होते हैं पेस्ट के, यानी कि खतरे में होते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन वन इसमें बिल्कुल ठीक होगा. अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28. ये बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 26 था. इसका आंसर भी क्या होगा, क्रॉसिंग ऑफ टू इनब्रीड पेरेंटल लाइंस, राइट. क्वेश्चन नंबर 29. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट, अगेन सेम क्वेश्चन. अगर आपको वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करना है तो फिर आप कौन से कल्चर का यूज करेंगे, मेरिस्टेम कल्चर. तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर, राइट. क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम. ओके, ट्राइटिकेल द फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग वीट विद. हमने वीट को किसके साथ क्रॉस करवाया था, जो हमें ट्राइटिकेल जो सबसे पहली सीरियल क्रॉप है जो मैन मेड है वो मिली थी. तो याद रखिए वीट को राई के साथ क्रॉस करवाया था, ऑप्शन बी. ठीक है, तो वीट को राई के साथ क्रॉस करवाया था तब हमें जाकर ट्राइटिकेल मिली थी, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 31. थ्री क्रॉप्स दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन आर. वो तीन क्रॉप्स कौन सी हैं जो कि ग्लोबल फूड प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगी. वीट, राइस, मेज. वीट, राइस, बार्ले. वीट, मेज, सॉर्गम. राइस, मेज, सॉर्गम. सो ऑप्शन वन यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, वीट, राइस एंड मेज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following is generally used for induced mutagen? ये हमने जब mutation breeding पढ़ा था तब मैंने बताया था कि अगर हमें mutation को induce करना है हम gamma rays को use कर सकते हैं. Gamma rays from cobalt 60. ठीक है, and this cobalt 60 is also responsible to cause
कैंसर। आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। द नेम ऑफ नॉर्मन बॉरलॉग इज एसोसिएटेड विद, जो नॉर्मन बॉरलॉग है उनका नाम किस चीज से एसोसिएट किया गया है। मैं आपको याद दिला दूं कि सेमी ड्वार वैरायटीज ऑफ व्हीट, उसमें जो डेवलपमेंट की गई थी वो नॉर्मन बॉरलॉग का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। ये 1963 में किया गया, ठीक है। और क्योंकि लार्ज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट या सीरियल्स जब होता है उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, इसीलिए नॉर्मन बॉरलॉग का नाम भी ग्रीन रेवोल्यूशन से एसोसिएट किया जाता है, राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। द वर्ल्ड्स हाईली प्राइज्ड वूल यील्ड शामिना ब्रीड इज, आपसे पूछा है जो वर्ल्ड की हाई यील्डिंग वूल है ना, वो क्या है, ठीक है, वो कहाँ से हमें मिलती है। गॉट शीप क्रॉस कश्मीर शीप। तो आपको ये याद रखना है, गॉट से मिलती है हमें जो वूल मिल रही है हाई यील्डिंग, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज, हमेशा याद रखिए कम समय में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वो माइक्रो प्रोपोगेशन है। माइक्रो मीन्स छोटा या कम, प्रोपोगेट करना मीन्स बनाना, ठीक है। सो माइक्रो प्रोपोगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर। सो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। इन केस आपको किसी भी चीज में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।